सबसे पहले हमें स्लीवस कॉलर उसे रिमूव कर लेना होगा की मदद से हमें सिर्फ कट करना है और रिमूव कर लेना है सो यहाँ पे मेरी सारी कटिंग हो चुकी है अभी जो स्लीव्स बचा हम इसी से स्लीव्स क्विट करेंगे तो हम इसे बाद में यूज करेंगे ये जो हमारा फैब्रिक है अभी सबसे पहले हम इसे फोल्ड करेंगे फोल्ड करने के बाद अपनी कोई भी कुर्ती यहाँ पे प्लेस कर दीजिएगा मेजरमेंट के लिए हम हामूल से साइड के फिटिंग का मेजरमेंट ले लेंगे मेजरमेंट लेने के बाद हम अपने नेक का भी मेजरमेंट अपनी इसी कुर्ती के हिसाब से ले लेंगे और सिंपली कट कर देंगे फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी कटिंग हो चुकी है मैंने शोल्डर अलग नहीं किया बिकॉज ये प्रॉपर है मैंने ऑलरेडी आर्म होल्स कट कर, कर दिया था अपने साइज के हिसाब से इसलिए मैं शोल्डर एज इट इज ही रहने दे रही हूँ उसके बाद सबसे पहले हमें अपना नेक को हेम कर लेना होगा इस तरीके से फोल्ड करके नेक हेम कर लेना होगा तो यहाँ पे मेरा नेक हेम हो चुका है अब मैं इसे साइड में प्लेस करूंगी और अपना स्लीव्स पे वर्क करूंगी तो जो ये शर्ट की ही स्लीव थी मैं सबसे पहले इसे ही प्लेस करूंगी एक दूसरे के ऊपर उसके बाद वही कुर्ती जो मैंने अपनी फिटिंग के लिए लिया था वही कुर्ती के स्लीव प्लेस करके मैं यहाँ पे स्लीवस का मेजरमेंट लेकर इसे भी कट कर दूंगी तो यहाँ पर मुझे रफल एड करना है इसलिए मैं सिर्फ अभी यहाँ पर दस इंच की स्लीवस बना रही हूँ उसके बाद मैं नीचे एटलीस्ट थ्री या फोर इंच का रफल क्रिएट करूंगी So, यहाँ पे मैं अपनी स्लीव्स कट कर, कर चुकी हूँ स्लीव्स कट कर करने के बाद हमें यहाँ पे अपना रफिल भी कट कर करना होगा तो जो हमने स्लीव्स कट किया था उसके स्लीव्स के जो नीचे का कफ एरिया होता है मेंस का सबसे पहले हम उसे निकाल देंगे और जो बीच की सिलाई ही है उसे भी हम सीजो या हाथों की मदद से इस तरीके से तोड़ के हमें इतना फैब्रिक फैब्रिक ये मिलने के बाद हमें इसे एक दूसरे के ऊपर प्लेस करना होगा प्लेस करने के बाद जो हमने स्लीव्स कट किया था और जहां पे स्लीव हमारी का एंड हो रहा था वो हम एक कॉर्नर पर प्लेस करेंगे और उसका मेजरमेंट ले लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे फिर हम दोनों के मेजरमेंट को मेजरमेंट uh, के हेल्प से प्लेस करके एक मिडिल का पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे फिर हम अपने जहां पे हमारा स्लीव्स एंड हो रहा है वहां से हम जो साइड के कपड़ा बचा है वहां से 7 इंच का बच रहा है इसलिए मैं ऑल ओवर सेवन इंच इस तरीके से मेजरमेंट रिमूव करते हुए ड्रॉ कर लूंगी पॉइंट्स और एक कर्व लाइन ड्रॉ कर लूंगी सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कर्व लाइन ड्रॉ करके इसे कट कर दिया है तो ये मेरी रफल स्लीव्स रेडी हो चुकी है मतलब ये जो मेरा स्लीव्स मैंने कट किया था उसे मैं ये रफल ऐड कर लूंगी दोनों ही स्लीव्स के रफल मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं अब मैं इसे एक दूसरे के ऊपर प्लेस करके इसे ऐड कर लूंगी तो मैंने यहाँ पे सिलाई मशीन के हेल्प से इसे स्टिच कर दिया है जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में अब मैं अपनी जो शर्ट मैंने कट किया था उसे लूंगी और अपनी स्लीव्स को उसके ऊपर प्लेस करूंगी तो हमें जो शर्ट है वो सीधा रखना है जैसे कि आप देख सकते हैं फिर अपनी स्लीव्स हमें उल्टी तरफ से रखना है और इस तरीके से मूव होते हुए हम अपने स्लीव्स को स्टिच कर देंगे दोनों ही स्लीव्स के साथ हमें ऐसे ही करना होगा और इसे सिलाई मशीन के हेल्प से मैं स्टिच कर दूंगी तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहां पे मैंने स्टिचिंग कर दी हूं अब स्टिचिंग हो जाने के बाद हमें जो फ्रंट पोर्शन होगा वहां पर मैं इलास्टिक ऐड करूंगी थोड़ा स्लिम और अच्छा गर्लिश लुक देने के लिए सो so, मैं शोल्डर की तरफ से मेजरमेंट लूंगी यहाँ पर मैं शोल्डर से टच होते हुए पंद्रह इंच का दोनों साइड का मेजरमेंट लेकर एक पॉइंट ड्रॉ कर लूंगी पॉइंट ड्रॉ करने के बाद मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके वहीं पर अपनी इलास्टिक लगाऊंगी तो फ्रंट साइड की तरफ एक पॉकेट होती है आपको पता है इलास्टिक लगाने से पहले ही आपको उस पॉकेट को रिमूव कर लेना होगा सो so, यहाँ पे मैंने अपनी पॉकेट रिमूव कर लिया है और अब अपनी इलास्टिक में ऐड करूंगी इलास्टिक आपको इस तरीके से खींचते हुए ऐड करना है ताकि एक अच्छा सा स्लिमर लुक आए। उसके बाद रेस्ट जो इलास्टिक बचेगी आप सीजा की मदद से कट कर दी। इसी तरीके से आपको दोनों साइड के इलास्टिक ऐड करना है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये कितना ही ब्यूटिफुल लग रहा है इलास्टिक ऐड होने के बाद उसके बाद हम अपने बैक के के फ्रंट पोर्शन को फ्लिप करेंगे और अपना बैक का पोर्शन लेते हुए हम रॉन्ग साइड साइड से ऑल ओवर स्टिच कर देंगे आपको बैक का जो पोर्शन है वहाँ है वहां पे इलास्टिक नहीं इसलिए आप फ्रंट को खींचते हुए साइड की फिटिंग दे दीजिएगा सो so फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा रेडी हो चुका है मैंने बटन ये ओपन ही रहने दिया एज अ शर्ट में इसे वेयर करूंगी अगर आपको इसे क्लोज करना है सिंपली आप बटन रहते हुए यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन दे दीजिएगा